Hey guys, welcome to my channel Fashion Audit and मैं हूँ गीतांजलि। So friends, आज का जो वीडियो है वो है एक अनदर कलेक्शन वीडियो और ये जो कलेक्शन वीडियो है ये है नेकलेस कलेक्शन। ये जिस तरह से हम लोग जानते हैं एंड सबको पता है कि इंडियन गर्ल हो या इंडियन लेडी हो उसके पास नेकलेस सेट नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक अच्छा नेकलेस सेट, एक अच्छा सा नेक पीस आपकी पूरी जो ड्रेस है उसको ओवरऑल चेंज कर देता है, एक अलग सा लुक दे देता है और एक परफेक्ट नेकलेस एक परफेक्ट ड्रेस को और भी ज्यादा परफेक्ट बना लेता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना नेकलेस कलेक्शन, लाइक इसमें पूरा नेकलेस नहीं है, मतलब जितने है मेरे पास है उतने नहीं है, ये कुछ है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपको करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ और मेरे इंस्टाग्राम पर भी करना है फॉलो। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। सो फ्रेंड, आज जो है ये कुछ नेक पीस है, कुछ नेक सेट्स हैं जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इनको वियर करा है एंड ये जो है इसमें सारे मेरे ही नहीं है, मम्मी के भी हैं। वैसे मेरी मम्मी को भी उतनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद नहीं है बट स्टिल घर में कोई शादी पार्टी या फिर कोई मेन फंक्शन होता है तो उसमें सोचते हैं कि कुछ डिफरेंट लें या फिर कुछ डिफरेंट लुक क्रिएट करें, इसलिए हम ले लेते हैं इनको। सो या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो मेरे पास है ये और इस तरह से इसको रखा हुआ है, इसका जो कवर है वो पूरा इस तरह से ही मिला था और ये इस तरह से कॉटन में रखा रहता है। अगर आप अपना जो नेकलेस सेट है गोल्ड में, सिल्वर में, बीज में है, किसी भी टाइप में है, अगर वो जिस पैकेजिंग में आता है उसी पैकेजिंग में रखते हो तो उसकी शेल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइक आप काफ़ी टाइम तक उसको ऐसे ही पाओगे, साथ में अगर आपको कभी भी उसको यूज़ करना है तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये पुराना है, ये काला हो गया है कैसे भी करके। तो ये जो है ये मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर सा पीस है। इसको मैंने ये जो है ना ये बहुत ही प्यारा सा है और इसमें बिल्कुल ये गोल्ड वर्क है और यहाँ पे बीड्स है और बीच में कुछ नग हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं आपको सारा सारा पहन के तो नहीं दिखाऊंगी बट मैंने इनको अपनी कुछ वीडियोज़ में पहन रखा है तो उसकी पिक ज़रूर शो करूंगी मैं। तो ये जो हमने लिया था ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आई थिंक ये 1000 के अराउंड था और इसमें आपको मैचिंग की झुमकी मिलती है और इसकी जो झुमकी है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। लाइक इनको आप ऐसे भी वियर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी मटेरियल में, लाइक बिल्कुल भी लाइट वर्क नहीं है, लाइट वेट नहीं है, बिल्कुल अच्छी है और उसकी जो फिनिशिंग है ना वो भी बहुत अच्छी है। तो आप इसको इसके साथ पहनोगे तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगेगा, अदरवाइज़ अगर आप इसको सिंपली ऐसे भी पहनोगे तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर आप इसको पहनोगे ना तो आपकी पूरी नेक कवर हो जाएगी, तो आप इसको किसी भी साड़ी पे, लहंगे पे और किसी भी टाइप की अलग सूट पर भी पहन सकते हो तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट जाएगा। तो पहला ये है, ये मैंने अपनी ही सिटी की लोकल मार्केट से लिया था और मुझे वैसे ही लेना पसंद है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। और ये अभी का नहीं है, ये आई थिंक 2 to 3 years पुराना हो गया है बट अभी भी इसकी आप देख सकते हो फिनिशिंग वैसी की वैसी है तो बहुत ज़्यादा ऑसम है। इनफैक्ट अगर इसको कोई ब्राइड पहनेगी ना तो उसके लिए भी एकदम परफेक्ट जाएगा। तो पहला जो है वो ये है एंड इसके साथ ना एक छोटा सा ये मांग टीका भी मिला है, अगर जिनको मांग टीका लगाना हो वो लगा सकते हैं। वैसे इसको मैंने आज तक यूज़ नहीं करा है, ये जब से आया है, मेरी मम्मी तो लगाएंगी नहीं, वो ना लगाती हैं बट ये मैंने भी लगाया है तो इसको ऐसे ही रख देते हैं हम, कभी ना कभी तो यूज़ आ ही जाएगा। तो गाइस जो सेकंड है वो ये है और ये है एक चोकर टाइप नेकलेस, इनफैक्ट ये मेरा है, लाइक मेरी कज़न की वेडिंग थी तो मैंने उसके लिए लिया था। इसके कुछ यहाँ से नग हट गए हैं तो ये कुंदन में है और इसके कुछ चीज़ें यहाँ से हट गई हैं बट ये मेरे पास पड़ी हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिली थी, ये फिक्स हो जाएंगी, ये फिक्सेबल हैं, ऐसा नहीं कि ये ख़राब हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लाइक इस तरह से आप पहन सकते हो या फिर तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक आपके पास कोई भी गोल्डन कलर का कोई ड्रेस हो या सिल्वर कलर का कोई ड्रेस हो या फिर कोई और से भी कलर का ड्रेस हो तो आप उसमें परफेक्टली जाएगा, क्योंकि इसमें ना गोल्डन कलर भी है और ये सिल्वर कलर की जो कुंदन का काम है उसमें लाइट आ रही है तो दोनों पर बहुत ज़्यादा बेस्ट जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में अगर आप इस तरह की चोकर टाइप नेकलेस पहनोगे तो आप उसको अगर आप इंडो वेस्टर्न पहनो तब भी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो उसको भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से रखा हुआ था इसलिए इसकी जो लाइट है, फिनिशिंग है वो अभी तक वैसी है। हाँ ये मेरे से ही निकल गए हैं क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो जल्दी जल्दी निकाल के पहन लेती हूँ और फिर ऐसी जल्दी जल्दी रख देती हूँ, सो जैसे ये फिक्स हो जाएगा। एंड इसका जो प्राइस है वो भी अराउंड हमने ऐसे ही लिया था, आई थिंक 600 के लगभग, लाइक 500 to 600 के लगभग लिया था। साथ मिले हैं ये दो इयर रिंग, लाइक इसका भी ये निकल गया, इसको मैं फिक्स करूँगी कभी जब पहनूंगी तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, सेट के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे बट अगर इनको आप सिंपली ऐसे पहना जाओ, सिर्फ इयर रिंग्स पहना जाओ और नेक पीस नहीं पहना जाओ तब भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, परफेक्टली जाएंगे किसी भी सूट पर,
किसी भी साड़ी पर अगर आपको ज़्यादा हैवी नहीं पहनना है बट आपको इयर रिंग्स पहनने तो आप ये वाले पहन सकते हो, बट इसलिए ये थोड़े से भारी, क्योंकि जो कुंदन वर्क होता है ना थोड़ा सा वो हैवी आ ही जाता है, क्योंकि ये चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा हैवी होती है इस वजह से। इसके साथ भी मुझे यहाँ पर एक टीका मिला था बट इसको यूज़ नहीं करा है, आई थिंक अपनी वीडियो में ही मैंने इसको ट्राई करा होगा बट रियल में कभी नहीं पहना है, तो ये ऐसे ही रखा है बट स्टिल बहुत ज़्यादा प्यारा है। इस तरह से यहाँ तक वर्क है इसमें, कभी कभी जो टीका वगैरह मिलता है हमें बस उसमें यहाँ इतना सा फ्लावर होता है, सिर्फ चेन होती नहीं, इसमें ऊपर भी आपको वर्क मिलेगा। सो अगर इसे कोई ब्राइड भी पहनेगी ना तो उस पर भी एकदम परफेक्ट जाएगा। और उसके साथ ही था ये, वैसे मैंने अलग से लिया था बट मैं इसको उसके साथ ही मैंने मैच करके पहना था, इसलिए मैं आपके साथ भी इसको दिखा देती हूँ। तो ये बिल्कुल उससे मैच करता हुआ है और ये कमर बंद है, लाइक कमर पे जो बांधते हैं ना लहंगे साड़ी के ऊपर वो, बट इसको मैं ऐसे भी पहन सकती थी तो मैंने ऐसे भी पहना है अपनी एक आध वीडियो में। तो बिल्कुल उससे मैच करता हुआ है, तो अगर आप पूरा अपना सेट बनाना चाहते हो बट आपको सारी चीज़ें अपने सेट में नहीं मिल रही हैं तो आप अलग से लेकर भी उसमें ऐड कर सकते हो, एक परफेक्ट सेट खुद बना सकते हो। और ये भी मैंने जो सेट लिया था ये भी लोकल मार्केट से लिया था, इनफैक्ट ये दोनों जो फर्स्ट और जो सेकंड सेट है वो एक ही शॉप का है। बस चलते हैं थर्ड पर, जो थर्ड पर है वो भी गोल्डन में ही है, क्योंकि इस तरह के अगर हम लेते हैं ना सेट तो बहुत ज़्यादा चल जाते हैं, तो ये उसी पहले वाले के टाइप का था बट इसकी शेप अलग है, उसमें जो वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा घना है और बहुत ज़्यादा सिंपल और बेसिक है, लाइक इसको आप किसी भी एज ग्रुप में पहन सकते हो, लाइक मैरिड हो या फिर ज़्यादा ओल्ड हो या फिर कैसे भी, मतलब सब पे ज़्यादा सूट करेगा ये, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा यंग लोग पहन सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं पहन सकते, तो सब पे बहुत ज़्यादा अच्छा सूट जाएगा। तो ये भी मेरी मम्मी का ही है और बस उन्होंने एक ही बार पहना था, तो हम मम्मी को दिलवा देते हैं कि मम्मी ले लो ले लो ले लो, ताकि बाद में तो हमारे काम आ जाएगा। मम्मी एक ही बार पहनती, इनफैक्ट उन्हें पसंद भी नहीं है, बट मेरा काम चल जाता है वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मुझे अलग से फिर कोई चीज़ें लेने नहीं पड़ती हैं। तो ये था, और ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है साड़ी वगैरह पे, लहंगे पे भी, तो एक ये है। तो उसके साथ मिले थे ये इयररिंग्स, और ये जो इयररिंग्स है आप देख सकते हो कितने प्रिटी लग रहे हैं, लाइक सेट के साथ तो बहुत अच्छे लगेंगे बट अगर आप इनको ऐसे भी पहन लोगे ना सूट वगैरह पे, साड़ी वगैरह पे, कि आपको सिर्फ इयररिंग्स ही पेयर करने हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहेंगे। साथ में बहुत ज़्यादा लाइट वेट है तो भी बहुत ज़्यादा पिटी है, और शादी अगर दिन का फंक्शन है आपको सेट पूरा नहीं पहनना, आपको सिर्फ ये पहनना है तो आप ये भी पहन सकते हो। साथ में इसके एक मांगटीका मिला था, और मांगटीका जो बिल्कुल मैचेबल है लाइक देखो झुमके से, तो अगर आपको ऐसा लुक क्रिएट करना है कि लाइक आपको पूरा सेट नहीं पहना है, आपको सिर्फ इयररिंग्स पहनने हो और मांगटीका लगाना है, तो आप इस तरह से पहन सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं इस तरह से, तो भी देखो कितना प्रिटी लगेगा। जो नेक्स्ट है वो ये है, और ये पिंक कलर का है, लाइक पिंक, रानी कलर, मैजेंटा, तो ये किसी भी पिंक कलर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा। और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और बहुत पुराना है तो मुझे इसका प्राइस सही से याद नहीं है, बट स्टिल आप इसको इस तरह से नहीं पहनोगे, पहले इस तरह से पहनते थे और चलते भी थे, बट आप इसको इस तरह से पहनो तो कितना परफेक्ट एकदम चोकर लुक लगेगा और एकदम डिफरेंट लुक लगेगा। तो आप इसे पिंक के किसी भी शेड के साथ पहन सकते हो, आप इसको स्काई ब्लू के साथ पहन सकते हो, व्हाइट के साथ पहन सकते हो, गोल्डन के साथ पहन सकते हो, सिल्वर के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसे किसी भी तरह से मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। साथ में इसके इयररिंग्स हैं, और इयररिंग्स भी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा वाओ है, लाइक बिल्कुल उसे मैच करते हुए हैं, साथ में बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हैं, और अगेन आप इसको अलग से भी इयररिंग्स पहनना चाहो तब भी पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक जाएगा। और इसके साथ मैचिंग का टीका भी है, लाइक इसकी चेन टूट गई है कि पता है कि काफ़ी पुराना है इसलिए, बट फिक्स हो जाएगी वो। और ये है, तो आप इसको और इयररिंग्स पहन सकते हो, या फिर पूरा सेट एक साथ पहन सकते हो, या फिर सिर्फ अपना चोकर पहन सकते हो, तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लुक लगेगा। नेक्स्ट है वो ये है, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर और प्रिटी है, काफ़ी पुराना हो गया है और ये ऑनलाइन मंगवाया था तो इसका मुझे प्राइस सही से नहीं याद है, बट ये स्टिल काफ़ी अच्छा लगता है, इस तरह से देखने में आपको अजीब लग रहा है बट अगर इसे मैं पहनूंगी तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लुक जा रहा है। और इसे आप ग्रीन कलर पे तो पहन सकते हो, गोल्डन पे पहन सकते हो, यहाँ तक तो ये पिंक पर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो आप देख सकते हो कि पहनने के बाद इसका लुक कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आप इसको ऐसे हार की तरह नहीं पहनो, ऐसे लटका के इसको चोको की तरह पहनो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक जाएगा इसका। साथ मिले ही इयररिंग्स, और ये इयररिंग्स सेट के साथ भी आप पहन सकते हो मैंने बताया, बट अगर अलग आप सूट के वगैरह के साथ पहनोगे या फिर लाइट साड़ी आप नहीं चाहते पूरा नेकलेस पहनना, तो ये जो इयररिंग्स है ये भी परफेक्ट साइज़ है और बहुत ज़्यादा अलग है,
तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि इसको मैंने ऑनलाइन लिया था, तो मुझे इनका प्राइस नहीं पता कि कितने के हैं। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफी है, क्योंकि मैंने चाहती थी कि मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा कर दूं, तो इसलिए मैंने सिर्फ जो 5 थे, लाइक टॉप 5 वही शो करे, लाइक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सारे नेकलेस में से। एंड आई होप आपको भी इनमें से पसंद आए होंगे सारे या फिर कितने, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओगे कि आपको कौन सा पसंद आया या फिर कितने पसंद आए इन 5 में से। सो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट वीडियो पसंद आई तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और साथ में मेरे को इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो है फैशन ऑडिट। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।